गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किए हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया था और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली थी। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात करेंगे बट एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और जिसका नेम है गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड टॉपिक है बट ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ हम बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है गॉसेस लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसको डिफाइन करता है? तो फर्स्ट ये जो डिफाइन करता है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। वन मिनट, ओके। तो ये जो हमें डिफाइन करता है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जनरली जो हमने पहले देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो उसमें हमें नीड पड़ रही थी एरिया का। जो हमने फॉर्मूला लिखा था, आपको आई होप आपको याद हो, तो उसमें हमने ये लिखा था कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है ना। और फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा लिखा था मैंने, राइट है बच्चों, यही लिखा था। तो अगर मैंने फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा लिख रखा है तो इसके इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटेंसिटी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए और एंगल भी चाहिए। इस एंगल की बात अपन करेंगे, बहुत डिटेल फॉर्म में करेंगे। थीटा क्या है, कुछ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं आपको डिफाइन करूँगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। बट गॉसेस ने क्या बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम इस कॉन्सेप्ट के अदर देन भी कर सकते हैं और बहुत सिंपल मेथड है। तो वो गॉसेस लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों इसने क्या बोला कि देखो, अगर आप कंसीडर कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है प्लस क्यू चार्ज है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है प्लस क्यू चार्ज है, ये एक डिफरेंट बॉक्स बना लिया मैंने, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लिया है मैंने, ठीक है। एक स्पेयर लिया था मैंने, एक क्यूब लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक चार्ज रखता हूँ, ठीक है। एक सिलेंडर ले रहा हूँ मैं और सिलेंडर के अंदर भी मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, सेम चार्ज ले रहा हूँ। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऑब्जेक्ट से कितना होगा? तो आंसर है इन तीनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होने वाला है। क्या आंसर है? तीनों से इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो सेम होने वाला है और ये बहुत इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी भी आप पर गॉसेस थ्योरम भी बोल देते हैं हम कई बार इसको। तो गॉसेस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी हाउ टू कैलकुलेट द हाउ टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी ऑब्जेक्ट। उसने क्या मेंशन किया कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेट फ्लक्स, ठीक है। अब नेट क्यों बोल रहा हूँ उसकी बात मैं करूँगा, फिलहाल मैं गॉसेस थ्योरम की डेफिनेशन की बात करना चाहता हूँ। तो इसने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो सिंपल मैथमेटिकली आप कर सकते हो और उसका आंसर है, अगर आपको इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपल से लिखना है फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बट इसके इनसाइड एयर होना चाहिए, कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, जैसे सॉलिड मीडियम नहीं है, ये एयर के इनसाइड की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात इसके साथ भी वही है, फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला सेम है। क्या बोला गॉसेस ने कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो जस्ट कैलकुलेट द टोटल चार्ज, समीशन क्यू जो है वो हमारा है नेट चार्ज बोल दो या टोटल चार्ज बोल दो, नेट चार्ज है इनसाइड द क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो क्लोज ऑब्जेक्ट के इनसाइड कितना चार्ज है? प्लस क्यू है, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर इससे आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबमिशन क्यू करो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो जो फ्लक्स आएगा इससे, सबमिशन क्यू का मतलब टोटल चार्ज इसके इनसाइड कितना है, तो आंसर एक प्लस क्यू है। तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा कि इससे जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। इससे भी एक ही चार्ज है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इससे भी आंसर सेम ही आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, ठीक है।
तो गॉस का थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने ये बना लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट ये है प्लस क्यू है, तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मींस होता है उससे कितनी लाइन रिलेटेड है। एग्जाम्पल प्लस क्यू है तो नो डाउट इससे लाइन से आउटसाइड आएंगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई अगर इसके इनसाइड प्लस क्यू है तो लाइन तो बाहर निकलेगी निकलेगी, मुझे ये बताओ इसका फ्लक्स कितना होने वाला है। तो गॉस ने क्या बोला जस्ट कि आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो आप उसके इनसाइड टोटल चार्ज देखो। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन आउट कर दो, ये आपको उसका टोटल फ्लक्स दे देगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, नेट फ्लक्स। एग्जाम्पल अगर मुझे इसके इनसाइड एक बॉक्स मैंने क्यू बनाया और इसके इनसाइड मैंने क्लोज है प्लस टू क्यू और माइनस क्यू दे दिया, ठीक है। इसके इनसाइड मैंने चार्ज क्या दे रही है बच्चों, प्लस क्यू टू क्यू और माइनस क्यू दे दिया। अब इससे पूछा कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपल नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस टू क्यू माइनस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू। एडिटिविटी लॉ जो हमने यूज की थी प्रॉपर्टी जब चार्ज में, कि आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो एडिटिविटी लॉ लगा लो, तो कितना हुआ प्लस क्यू, नेट निकाल लिया। तो समीशन क्यू की वैल्यू है क्यू, तो आंसर है फ्लक्स इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया आंसर हमारा। जस्ट एक और एग्जांपल, अगर मुझे ये लेना है प्लस थ्री क्यू और माइनस क्यू, तो अब इसकी इनसाइड नेट चार्ज कितना होगा, थ्री क्यू माइनस क्यू इक्वल टू टू क्यू हो गया, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी बॉडी हो, अगर आपको उससे नेट फ्लक्स निकालना है तो आपको जस्ट उसका नेट चार्ज निकालना होगा और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है, यही करना होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो बच्चों की डेफिनेशन क्या होगी, बट गॉस लॉ किस लिमिटेशन से आता है, कुछ लिमिटेशन के साथ आता है, ठीक है। तो इसकी इनसाइड में जो चार्ज लिखना है, नेट चार्ज कंसिडर करो कि कुछ चार्ज है प्लस क्यू, तो फ्लक्स होगा समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ इनटू मैं एप्सिलॉन नॉट, और इसको और बोलूँ तो ये क्या है, इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइ इक्वल टू समीशन क्यू है, ये है नेट चार्ज और ये है वन अपॉन परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ है ना, परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी अगर एयर है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं। अगर इसकी इनसाइड एयर की जगह कोई मीडियम है तो हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप क्या बोलोगे, डेफिनेशन कैसे दोगे? तो फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि गॉस लॉ की एक लिमिटेशन है और वो ये है कि ये ऑलवेज क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। किसके लिए, क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे लाइक कि अगर आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि ये है ऐसे और इसके इनसाइड चार्ज है और आपसे पूछे कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी और मेथड से, बट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पहली बात, जब भी गॉस लॉ डिफाइन करना है तो आपको ध्यान रखना है, कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तब भी गॉस लॉ वैलिड हो सकता है, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। श्योर, डेफिनेशन देखते हैं। इस लाइन को ही आप ध्यान रख लो, इस सिर्फ इसको याद रखोगे तो भी डेफिनेशन बन जाएगी। तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट
फ्लक्स, क्या बोलोगे? द नेट फ्लक्स, ठीक है ना। अब मैं नेट फ्लक्स क्यों बोल रहा हूँ और वो भी मैं बताऊँगा फिलहाल। तो हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोले हम, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट इज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज विच लाइज इनसाइड द क्लोज ऑब्जेक्ट एंड वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ कब, जब एयर है। तो हम क्या बात करेंगे, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे नेट फ्लक्स निकालना है, कन्फर्म, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट है ना, ये देखो समीशन क्यू इंटू वन अपॉन नॉट, तो प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। तो क्या बोला हमने, द नेट फ्लक्स इससे द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज विच लाइज इनसाइड द क्लोज ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो, कन्फर्म बच्चों, इनसाइड क्लोज ऑब्जेक्ट एंड द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमारा टॉपिक है, कन्फर्म, श्योर, तो ओके, द नेट फ्लक्स रिलेटेड टू द एनी क्लोज ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज विच लाइज इनसाइड द क्लोज ऑब्जेक्ट एंड वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डेफिनेशन हो गई। बट कई बार गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ की जब मैथमेटिकली इक्वेशन पूछी जाती है तब हमें कैसे लिखना है इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारे पास फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, आपको याद ही होगा, क्लोज ऑब्जेक्ट दिखा दिया क्योंकि फ्लक्स ई डॉट डी एस से भी आता है, इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नो डाउट अगर मुझे गॉसेस थ्योरम यूज करना है तो फ्लक्स तो मैं इसी वाले सेक्शन से निकालूंगा, बट अगर मैथमेटिकली पोर्शन पूछता है कि राइट डाउन द मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ द गॉसेस थ्योरम, तब आपको लिखना है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कन्फर्म बच्चों, इतना आया समझ में क्या इतना क्लियर है बच्चों, ओके, ये हो गया हमारे पास गॉसेस थ्योरम की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब गॉसेस थ्योरम जो फ्लक्स निकालता है उसकी लिमिटेशन क्या है, कि ये हमेशा वैलिड है क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है तो आप गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो अगर कहीं पे ओपन देता है और पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग हम जीरो लिख देंगे, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जीरो लिख देंगे, समझ में आया। तो गॉसेस थ्योरम वैलिड तभी है जब ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब इसमें लिखा है कि फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इनसाइड चार्ज पर, कि ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो चार्ज है ना उसी पर डिपेंड करता है और किस बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो क्यों नहीं करता उसकी बात करता हूँ। और मैंने एक वर्ड और लिखा है नेट फ्लक्स, बार बार बोलता हूँ फोकस करो नेट फ्लक्स पर, चलो देखते हैं अपन, ओके देखते हैं बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव फ्लक्स एंड सेकेंड नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट जो पॉजिटिव फ्लक्स ये क्या होता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो वहां बताया था
कि थीटा जीरो बनना चाहिए। यहाँ पे एक नया मेथड मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर आपके इनसाइड चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड चार्ज प्लस का क्यू है तो लाइंस जो है वो एरिए से आउटसाइड निकलेगी। एरिए से कितनी निकलेगी बच्चों? आउटसाइड निकलेगी। और ये जो आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रीफाइड लाइन निकलती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा फ्लक्स बनाएगा? पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा। समझ में आया? तो पॉजिटिव फ्लक्स ऑलवेज कौन बनाता है? पॉजिटिव चार्ज बनाता है। कैसा? कौन बनाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव फ्लक्स किसके कारण होता है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, याद हो तो वहाँ पर भी मैंने क्या बताया था, याद हो तो आपको लेक्चर में दे रखा है मैंने लास्ट लेक्चर में कि अगर इलेक्ट्रिफाइड लाइन ऐसे निकल आती है और ऐसे जा रही है तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स है, मतलब एरिया से जो बाहर लाइन निकलती है वो पॉजिटिव फ्लक्स बनाती है ड्यू टू थीटा इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला क्या था? ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है प्लस वन, तो फाई हो जाएगा प्लस का ई डी एस। बट कब होता है? जब थीटा इक्वल टू जीरो बनता है। और थीटा जीरो किसके बीच बनता है? ई और ए के बीच में। और ये कब होता है? तो आंसर है जब भी किसी एरिया से लाइन आउटसाइड निकलती है। समझ में? तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये अगर एक एरिया है और इसके इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है तो इस एरिया के लिए लाइन्स पॉजिटिव चार्ज लाइन्स आउटसाइड होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी जब चार्ज बताया था उसमें क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन जो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आउटसाइड निकलती है। ये हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। तो पॉजिटिव फ्लक्स कौन बनाता है? पॉजिटिव चार्ज बनाता है। या फिर किसी एरिया से लाइन आउटसाइड आ रही है तो वो पॉजिटिव फ्लक्स। तो दो चीज़ ध्यान रखो, या तो किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और लाइन बाहर निकलेगी। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो हम क्या बोलते हैं? केस नंबर टू, नेगेटिव फ्लक्स की हम बात कर लेते हैं। नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है बच्चों? नेगेटिव फ्लक्स में क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो इसके लिए लाइंस कैसी आती है बच्चों? इनसाइड। क्या आती है बच्चों? इनसाइड, है ना? और ये नेगेटिव फ्लक्स बनाता है। तो नेगेटिव फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कैसे? तो अब देखो, इस सेक्शन के लिए इसका एरिया वेक्टर इधर होता है और ई की डायरेक्शन इधर है, तो थीटा कितना बना? थीटा बना 180। तो अगर इस एरिया के लिए बात करूं मैं, थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों? 180 है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो फाइ इक्वल टू होगा ई डी एस कॉस 180। ये माइनस का 1 हो गया, तो फ्लक्स जो हुआ वो हो गया ई डी एस माइनस का। तो नेगेटिव फ्लक्स के साथ क्या ध्यान रखना है? एक तो लाइन इनसाइड जा रही है, देखो इस एरिया के लिए लाइन क्या जा रही है? इनसाइड जा रही है। तो या तो लाइन इनसाइड जाए तो नेगेटिव। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है कि चार्ज नेगेटिव हो जाए तो भी तो वही होगा। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो लाइन इनसाइड, तो इस एरिया के लिए ये जो एरिया है ये पूरा एरिया, इसके लिए लाइन इनसाइड आ रही है ना, तो नेगेटिव चार्ज प्लग कैसे बनाता है? नेगेटिव बनाता है। समझ में आया? क्या ये चीज़ समझ में आ गई? चलो, दो पॉइंट हो गए। चलो मैं और कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। चलो चलो देखो ध्यान से। अब मैं बार बार नेट फ्लक्स क्यों बोलता हूँ? देखो, अगर मेरे पास इसके इनसाइड प्लस क्यू चार्ज है और इसी के अंदर माइनस क्यू है, दोनों सेम ही है बेटा। ऐसा मत सोचना कि ये स्मॉल लिखा है, ये कैपिटल लिखा है तो ये अलग अलग हो गया। दोनों का सेम ही लिखा हुआ है मैंने। अब पूछता है इसे नेट फ्लक्स निकालो, नेट फ्लक्स है ना। तो इससे पूछता है एक्चुअली नेट फ्लक्स का क्या मीन्स है। तो देखो, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दूँ कि phi इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो जस्ट शो ऑफ के लिए है, यूज तो यही करना होता है हमें, ठीक है ना, गॉस थ्योरम के लिए। तो नेट फ्लक्स है कितना? जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, आंसर है जीरो। तो
तो फ्लक्स जो हुआ वो हुआ कितना, जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आंसर है जीरो। तो इससे रिलेटेड जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स वो हो गया जीरो आंसर। बट ये कैसे हुआ, नेट फ्लक्स जीरो क्यों हुआ जबकि तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है ना। बच्चों इसका आंसर ये है कि अगर आप एक प्लस क्यू लेते हो और एक माइनस क्यू लेते हो तो जितनी लाइन प्लस के लिए इनसाइड आएगी, सॉरी आउटसाइड जाएगी पॉजिटिव लाइन के लिए, उतनी ही लाइन इसके लिए इनसाइड आने वाली है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर पॉजिटिव वन कूलम है तो वो जितनी लाइंस आउटसाइड देगा, नेगेटिव वन कूलम होता वन कूलम है। जैसे वन कूलम के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि लाइन इलेक्ट्रिफिक लाइन्स बनाओ पॉजिटिव है, तो आप ऐसे बना रहे हो। टू कूलम के लिए पूछता हूँ मैं तो लाइन, मैंने पहले बताया कि टू कूलम के लिए क्या होगा, आप लाइन उसके लिए लाइन्स ज़्यादा क्लोज होने वाली है, टू कूलम है तो ज़्यादा क्लोज होने वाली है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइंस होगी। तो अगर प्लस क्यू के लिए लाइन अगर कंसीडर कर लेते हैं, फोर लाइन इनसाइड आ रही है, आउटसाइड जा रही है, सॉरी प्लस क्यू के लिए फोर लाइन आउटसाइड जा रही है, तो माइनस क्यू के लिए भी फोर लाइन इनसाइड आएगी। तो फ्लक्स मैंने क्या बोला था, ये लाइंस हैं कि कितनी लाइंस रिलेटेड होती हैं किससे, एरिया से। तो भाई जितनी लाइंस आपकी जा रही है उतनी ही लाइंस आ रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो है आंसर, लाइंस रिलेटेड कितनी है उस ऑब्जेक्ट से। तो जितनी लाइन आप आउटसाइड सेंड कर रहे हो उतनी लाइन आपकी इनसाइड आ रही है, तो फ्लक्स हो गया जीरो, नेट लाइन कोई है ही नहीं, ये होता है नेट फ्लक्स। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो नेट फ्लक्स से कि टोटल लाइंस कितनी दिख रही है, चाहे आने वाली हो या जाने वाली हो। चलो एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूं आपको। बच्चों समझ लो एक क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर कर लेते हैं हम क्या चीज, कि अगर यहां पे टू कूलम है प्लस का है और आपसे पूछता है भाई कैलकुलेट करो नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स होगा और वो कैसा होगा। तो नेट फ्लक्स होगा बट वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है लाइन्स आउटसाइड जाएगी, और फ्लक्स आपने निकाल लिया टोटल चार्ज टू कूलम है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10^-12, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा इजी। अगर यहीं पे अगर होता ये माइनस टू कूलम होता तो आप बोलते हैं लाइन्स इनसाइड आएगी, तो जितनी लाइन इसमें आउटसाइड जा रही है उतनी लाइन इनसाइड आएगी। अब आपसे पूछता है नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स होगा बट वो नेगेटिव होगा और उसका आंसर भी यही होगा। लाइंस बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ, तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 8.85 × 10^12 आया सुनिए। बट अगर आप वो पूछता है कि प्लस का टू कूलम है और माइनस का टू कूलम है नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है जितनी लाइन प्लस के लिए आउटसाइड जाएगी उतनी ही लाइन इसके लिए इनसाइड आएगी, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो कई जगह नेट फ्लक्स लिख दिया जाता है बट एक चीज़ ध्यान रखना, नेट फ्लक्स का मतलब क्या है, रिमेनिंग लाइंस कितनी है उससे रिलेटेड। लास्ट एग्जांपल, अगर मैं ये लेता हूँ प्लस का टू कूलम और माइनस का वन कूलम लेता हूँ, तो पहली बात नेट चार्ज देखो क्या आ रहा है, तो नेट चार्ज जो आएगा वो आएगा वन कूलम प्लस का। अगर प्लस का चार्ज बचा है तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लेता हूँ वन कूलम के लिए फोर लाइन आ रही है, तो टू कूलम के अकॉर्डिंग एट लाइन बाहर जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड हम सेम मानते हैं, कितनी लाइन जाएगी बच्चों, 3, 3, 6, 2, 8, तो रिमेनिंग कितनी लाइन बच गई, फोर लाइन बच गई जाने वाली, और जाने वाली लाइन पॉजिटिव होती है। तो नेट फ्लक्स रिमेनिंग लाइन कितनी है उससे रिलेटेड, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, या इनसाइड आने वाली हो या आउटसाइड जाने वाली हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा आप लोगों को, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो आपको क्या समझ में आया, नेट फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, वो बात ये है कि जो नेट फ्लक्स होगा वो उसके इनसाइड जो नेट चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं देखेंगे हम, बचा कितना चार्ज
उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस के लिए कितनी लाइन गई है वो काउंट करो, माइनस के लिए कितनी लाइन आई वो काउंट करो, फिर दोनों का माइनस करो, चार लाइन है, चार लाइन अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा। तो उससे बेटर क्या है कि चार लाइन तो इसके चार लाइन से इक्वलाइज हो गई ना, तो रिमेनिंग चार ही लाइन है ना, फोर ही लाइन है ना। तो इससे बेटर क्या है कि हमेशा आप क्या कर लिया करो, नेट चार्ज निकाल लिया करो। क्या करो, नेट चार्ज। जैसे कि इसका नेट चार्ज 2 कूलम्ब और माइनस 1 कूलम्ब कितना था, 1 कूलम्ब। अब 1 कूलम्ब है तो जस्ट क्या करेंगे, 1 कूलम्ब अपॉन में 8.85 इंटू 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ पाया? तो ये था हमारा गॉसियस थ्योरम। तो गॉसियस थ्योरम में क्या सीखा आपने, गॉसियस थ्योरम में आपने सीखा कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेगा बट क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए करेगा, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट नंबर कि नेट फ्लक्स जो होगा वो ये बताता है कि रिमेनिंग लाइन्स क्या है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है रिमेनिंग देखना है किस पे आप पे, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्लस और माइनस दोनों है तो नेट चार्ज निकालो और नेट चार्ज से ही आप फ्लक्स निकालो। ऐसा नहीं कि प्लस के लिए अलग निकाल दो, माइनस के लिए अलग निकाल दो, फिर बताओ आंसर। ठीक है, तो ये नेट फ्लक्स था, कन्फर्म, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब मैंने इसमें बोला कि फ्लक्स इनसाइड वाले ही चार्ज लेना है, आउटसाइड वाले नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, उसका आंसर मैं आपको देता हूं। बहुत सिंपल सा है, बच्चों उसके लिए मेरा आंसर ये है कि सोचो आप। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्पेयर, पूछा नेट फ्लक्स बताओ, नेट फ्लक्स, तो आंसर होगा बच्चों 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अच्छा आप एक देखो, अगर यही है और यहाँ पे प्लस क्यों चार्ज है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही होगी क्या, समझ में आ गया? आपसे पूछा आप बताओ इसका नेट फ्लक्स कितना है, आंसर ध्यान रखना चार्ज आउटसाइड है, इससे नेट फ्लक्स पूछा तो भी आंसर 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, तो आंसर ध्यान से देखना, लाइंस तो आ रही है। अब लोग सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें बताया था कितनी लाइन क्रॉस कर रही है वो देखो, बट बच्चों ध्यान क्या देना है वो ये देखो कि भाई इस एरिया के लिए लाइन एंटर हो रही है और इससे निकल तो रही है, तो ये लाइन आई और ये लाइन गई, तो आने वाले हो गया नेगेटिव और जाने वाला का पॉजिटिव, दोनों सेम ही है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं बचा। इसके लिए भी देखो ये इस एरिया के लिए आ रही है क्या, तो नेगेटिव फ्लक्स, और जा रही है क्या, पॉजिटिव फ्लक्स, तो जो लाइन आ रही है वही लाइन जा रही है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अगर कोई चार्ज आउटसाइड है तो उसका नेट फ्लक्स बचेगा ही नहीं इस ऑब्जेक्ट से, इससे नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव ले लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इसके लिए लाइन्स आएंगी, और आएंगी तो मान लो कुछ ऐसे आ रही है, कहीं ऐसे आ रही है, तो इसके लिए देखो यहाँ तो जा रही है नो डाउट, बट इसके लिए देखो लाइन्स आ रही हैं और वही लाइन्स यहाँ से जा भी रही हैं, जो लाइन आ रही है वही लाइन जा रही है, जो लाइन आ रही है वही लाइन जा रही है, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, नेट 0। तो सिर्फ कहने का क्या मीन्स है कि अगर कोई चार्ज इनसाइड है उसी का सिर्फ देखो, अब इसका देखो क्या हो रहा है, तो इसके लिए इस एरिया के लिए तो सिर्फ लाइन जा ही रही है ना, आ तो नहीं रही, तो इसके लिए इसका फ्लक्स बचेगा और नेट फ्लक्स होगा। इसके लिए देखो माइनस क्यों लेता हूं, तो इसके लिए लाइन सिर्फ आएंगी ही ना, और आके यहीं पर एंड हो जाएंगी, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इधर से आई और इधर से निकल गई ना, जो लाइन्स नेगेटिव चार्ज के लिए वो आती हैं और एंड हो जाती है किस पे, नेगेटिव पे, कहीं ऐसा महसूस ना कि इधर से निकल जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता। तो क्या हुआ हमारे पास, इससे भी नेट फ्लक्स, बट इस वाले में क्या हुआ, प्लस है, तो जो लाइन इस एरिया के लिए एंटर हो रही है वही लाइन बाहर निकल भी रही है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 है। सर तो नेट फ्लक्स ओनली डिपेंड करता है इनसाइड के चार्ज पर, आउटसाइड के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इनसाइड नेट चार्ज 0 है या चार्ज ही नहीं है तो भी फ्लक्स नहीं होगा। समझ में आया, कन्फर्म? तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।